वो आपकी माँ के बारे में कुछ कह रहे थे ना? मैंने कहा ना मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, और जब तुम मुझे और मेरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। हम लोग साथ में काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी फ्रेंड हो गई हो। हाँ मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, मैं तुम्हें अकेला ढाबे पे छोड़ के आ गया, बट ऐसा ही सॉरी, मैं उससे तुमसे माफी मांग चुका हूँ। एंड प्लीज प्लीज मुझे ज्ञान देना बंद कर दो, मुझे टिपिकल इंडियन एटीट्यूड पसंद नहीं है। काकी माँ। अरे विक्रम बेटा आओ। ये देखिए काकी माँ। ये क्या, तेल की बोतल? आज इसे देखकर आपके हाथ की चंपी याद आ गई। याद है ना बचपन में कैसे हम सबको बारी बारी से पकड़ के आप सर पे तेल मालिश किया करते थे? और ये भी याद है कैसे उस वक्त तुम सब तेल की महक से दूर भागते थे? लेकिन मजा भी तो आता था काकी माँ। वो इसलिए क्योंकि वही तो समय था जब तुम अकेले में बैठकर अपनी काकी माँ से अपने सारे दिल की बात कहते थे। वैसे आज क्या हो गया जो अचानक चंपी मालिश काकी माँ की याद आ गई? वो क्या है ना काकी माँ, हम सोच रहे थे कि अब आप तैयारियां शुरू कर देते हमारी और मिट्टू की शादी की। अरे तुम्हारी हरी झंडी दिखाने की देर है, हमारी पूरी फौज तैयार है, बोलो। अरे हम भी आपके बोलने का इंतजार कर रहे थे काकी माँ। अच्छा ऐसे एक बात बताइए काकी माँ। हाँ कहो। आप लोगों को मिट्टू पसंद तो आई है ना? हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा। बस सिर्फ इतना है कि उसकी मन्नत वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन दिल में कसक सी है कि अपने बेटे की होने वाली बहू का चेहरा हम नहीं देख पा रहे। अब हमारी बात का गलत मत समझना बेटा, उसकी मन्नत निश्चय इस सब की कदर करते हैं हम, कि शादी जैसे पवित्र बंधन को हमेशा निभाने के लिए उसने अपने मन से मन्नत रखी है। लेकिन तुम भी तो हमारी जिम्मेदारी हो। अब देखो ना, उसे बिना देखे खुशी खुशी हमने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन तुम ही जरा सोचो कितना अच्छा होता ना अगर हम आमने सामने बैठकर उससे बात करते, उसके दिल में क्या है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये जान लेते। कम से कम एक बार अपनी होने वाली बहू का चेहरा देख लेते, इतना तो हक बनता है ना तुम्हारी काकी माँ का। बाकी जैसा तुम ठीक समझो हमें सब मंजूर है। मेरी प्यारी प्यारी काकी माँ, सिर्फ इतनी सी बात है, अब आपको अपनी बहू भी दिखाएंगे, नो प्रॉब्लम। इतना सा काम है ना, ऐसे कर देंगे। सच? चलो इसी बात पर तुम्हारी चंपी मालिश कर। नहीं 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 अभी नहीं, अब तो हम अपनी होने वाली पत्नी की शक्ल दिखाने के बाद ही चंपी कराएंगे। इतना तो हम अपनी काकी माँ के लिए कर ही सकते हैं ना। रचना अभी तक आई कि नहीं? बच गए। हे भगवान, पता नहीं कहां गई फोटो, अगर हमारे अलावा किसी और के हाथ लग गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गई कहां ये गब्बक फोटो?
मिट्ठू अरे मिट्ठू बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो जी काकी साहब वो हम नीचे बोर हो रहे थे तो हमने सोचा कि छत पे जाके पानी दे देते पौधों को जी मिट्ठू ये सब तुम्हें करने की क्या जरूरत है अरे बेटा रात को कोई पौधों को पानी देता है क्या हम आपके साथ कपड़े पैक करा देते हैं जी ठीक है फिर तुम ना सारे कपड़े उतार के उन्हें अच्छे से तह लगा देना हा? ये क्या हम तो खुद ही बोलकर फंस गए जी काकी साहब मामी जी एक मिनट तो नहीं है चुड़ैल का फोटो यहाँ छत पर कैसे आ गया ये चंडालनी हमारा पीछा अभी तक नहीं छोड़ रही है इसका तो फोटो भी यहाँ रहना अपशगुन है फाड़ के फेंक देती हूँ मर चुड़ैल कहेगी अरे पांडे जी आप भी कैसी बातें कर रहे हैं हम ढाबे पर नहीं जाते अरे हम बिल्कुल क्या रचना को आपने वहां पर देखा क्या हुआ जी रचना अपने बॉस के साथ ही गई है निशा हाँ क्यों क्योंकि अभी अभी पांडे जी ने जीटी रोड पर वेलकम ढाबे में उसे देखा है तुम तो कह रही थी उसे किसी गांव में काम है फिर वो वहां अकेले क्या कर रही थी खैर कहीं वो तुमसे झूठ बोलकर तो नहीं गई है नहीं नहीं जी रचना झूठ नहीं बोलेगी वो अपने बॉस के साथ ही गई है और गांव ही गई थी अरे उसका बॉस अपना नन्हे ही तो है मौसी का पोता वो कबीर हाँ जी हमें लगा आपको पता होगा दोनों उसी की गाड़ी में गए हैं क्या हुआ मौसीमा मौसा जी इतने परेशान क्यों है नन्हे रचना का बॉस है ये बात हमें आज तक पता नहीं थी और उसने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा नहीं मौसा जी उसने बताया था मुझे पता है तुम्हें पता है शैल को पता है कम से कम शैल को तो मुझे बताना चाहिए था जी हमें लगा कि शैल तुमने रचना को उस लड़के के साथ जाने कैसे दिया ऐसे कैसे उसे भरोसा कर लिया तुम उसकी मां को जानती हो ना जिस लड़के की मां ऐसी वो लड़का कैसा होगा Thank you.
रचना को आने में थोड़ी देर हो गई थी ना, इसलिए ये चिंता कर रहे थे। आओ ना बेटा, अंदर आओ। नो थैंक्स, देरी के लिए माफी चाहता हूं। चलता हूं मैं, नमस्ते। सामान इधर उधर फेंक रहे हो बेटा? ओह माय गॉड, हाथ को क्या हो गया? प्लीज दादी, क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्यों हुआ क्या है बच्चे? एक बार नहीं, 100 बार कहा था मैंने आपसे कि नहीं आना है मुझे ऐसी जगह पे जिस जगह के लोगों का इतना छोटा दिल, इतनी छोटी सोच और इतना छोटा दिमाग हो। नहीं रहना है मुझे वहां पे, जो दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं, मैं नहीं रह सकता वहां पे। प्लीज बेटा, नहीं, क्या हुआ बताओ मुझे, हुआ क्या है? आज फैसला करना होगा दादी। अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो आपको मेरे साथ यहाँ से वापस चलना होगा। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकता। हम अगली फ्लाइट से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। एंड दैट्स फाइनल दादी। अब मैं आपकी एक भी नहीं सुन सकता। अफसोस से बेटा, जैसा बोलोगे ना हम बिल्कुल वैसे करेंगे। हाँ, शांत हो जा बेटा, शांति। दादी शांति तो मुझे यहां से वापस जाकर ही मिलेगी, यहां नहीं मिल सकते। कुंजन, पापा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उनके मुंह से निकल गया होगा। I'm sure he didn't mean it. हाँ गुंजन, जितना हम पापा को जानते हैं वो किसी से बैर नहीं रखते। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि क्या राज है किटी की मम्मी और उनके अतीत का, कि जिक्र होते ही वो परेशान हो जाते हैं और आज 2 बार उसी बात को लेकर आग बबूला हो गए थे। ठीक हो जाएंगे, काश जल्दी से ठीक हो जाए, नहीं तो आज जो कुछ भी हुआ है हमें नहीं लगता कि वो हमें काम पे रखेंगे। और गुंजन तुम तो जानती हो ना कि हमारा उनके साथ काम करना कितना इंपॉर्टेंट है, हमें उनसे कितना कुछ सीखने को मिलता है। रिलैक्स रचना, तुम्हें क्या लगता है केटी उर्फ नन्हे तुम जैसी टैलेंटेड और मेहनती लड़की को जाने देंगे? कभी नहीं। गुस्सा और गुस्से दोनों जल्दी ठीक हो जाएंगे, तुम रिलैक्स करो। फोटो गई का जमीन खा गई, हवा उड़ा ली गई, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। फोटो ढूंढते ढूंढते पूरे धूल मिट्टी हो गए, फिर से नहाना पड़ेगा वो भी इतनी ठंड में। मिट्टू बेटा, मिट्टू, कहाँ चली गई मिट्टू? क्या इतने ठंड में नीचे बैठकर क्या कर रही हो? क्या हुआ? मिठू,
क्या लगा के रखा है चेहरे पर? कुछ नहीं बुआ जी, वो हमने फेस पैक लगाया है जी। इतनी ठंड में और वो भी रात को? बुआ साहब, वो हमने स्पेशल फेस पैक लगाया है जी, इसको रात को ही लगाते, इसे गमला हमारा मतलब गुलाबी पैक कहते हैं जी। गुलाबी? लगता तो कीचड़ की तरह है। कीचड़? नहीं नहीं बुआ साहब, ये स्पेशल पैक है, इससे हमारी स्किन निखर के आती है जी। अच्छा, क्या फायदा, हमें तो तुम्हारा चेहरा देखने को नहीं मिलता है, 24 घंटे घूंघट में जो रहती हो। खैर छोड़ो, हम तो तुम्हें ये मंत्र की पुस्तिका देने आए थे। ये उन लड़कियों के लिए है जिनकी शादी होने वाली होती है, इसे रोज पढ़ना, सुखी और संपन्न विवाहित जीवन के लिए। ये लो बेटा, अब हम चलते हैं। गुलाबी पैक, क्या खूब उल्लू बनाया, इस घर में एक से बढ़कर एक बेवकूफ है, भंडार भरा पड़ा है। बेवकूफ कहीं के। चारू डाले, ये तुम ही हो, डर क्यों गई? जल्दी से फेस वॉश कर लेते। देरी के लिए माफी चाहता हूं। काम पर जा रहे हो बेटा? नाश्ता। रचना, तुम भी जल्दी से नाश्ता खा लो, उसके बाद हम साथ ही साथ निकलेंगे। पापा, आप निकलिए, हम चले जाएंगे। नहीं बेटा, हम दोनों साथ ही साथ निकलेंगे ताकि हम नन्हे से माफी मांग सके। नहीं नहीं पापा, आपको आपको ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, सच। नहीं बेटा, जब हमसे अनजाने में गलती हुई है तो हमें उसकी माफी मांगनी ही चाहिए। नहीं जी, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, हम अभी मौसी जी के पास जाएंगे और कबीर से हम सबकी तरफ से माफी मांगेंगे। नहीं जी, तुम क्यों माफी मांगोगे, गलती हमसे हुई है, माफी भी हमें मांगेंगे। उसके अतीत के बारे में और उस पर लांछन लगाने से पहले हमें थोड़ा तो सोचना चाहिए था। गलती हमारी है, माफी भी हमें मांगेंगे।